सो हे गाइज, आई एम विजय कुमार मित्वा एंड यू आर वाचिंग विजय मित्वा। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अहिरान वर्सेस बबुआन के बारे में। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले इन दोनों जातियों के लोगों से विनती, बोरा बिछा के और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक मजाक पर्पज से ही बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग मजाक पर्पज से ही देखिएगा और एक मजाक समझ के ही भूल जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौबे जी 24 घंटा करो तारे पीछा, बहनचोद तुम्हारे पिछवाड़े में आखिर ऐसा क्या है जो चौबे जी 24 घंटा तुम्हारे पीछे ही पड़ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और चौबे जी आप भी महाराज 24 घंटा उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। 24 घंटा में कभी खाते पीते सोते और हगते हैं कि नहीं? नहीं। चौबे जी 24 घंटा तक तो ठीक है, पर पांडे जी, पांडे जी चुम्मा के मांगत अरे भिक्षा। आखिर ऐसे चुम्मा का भिक्षा कौन मांगता है यार? नहीं, मुझे जहाँ तक मालूम है कि भिक्षा वही मांगता है। भिक्षा में आपको आटा चावल दाल ये सब अनाज मिलता है, ये चुम्मा कौन मांगता है यार भिक्षा में? मतलब देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई देश नहीं बदल रहा है, वीडियो के भावनाओं में मत बस जाइएगा आप लोग। गिटार बजावत हुई है, गिटार बजावत हुई है और वो भी इसके ढूंढी में। साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे है क्या? नहीं मतलब खेसारी भैया, ये तो है कि इसके ढूंढी में गिटार बजता होगा पर उंगली से नहीं। इससे बजता है गिटार, तू ही बता दे। भाग भाग तुम, नहीं बताऊंगा। दाल गले ना ही दे हब बबुआन के। नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है कि दाल मूंग की होती है, चने की होती है, अरहर इत्यादि की होती है, ये बबुआन की दाल कहाँ होती है? एक कैमरामैन, तुझे मालूम है कि ये बबुआन की दाल कहाँ होती है? चल छोड़, तुझे भी नहीं मालूम है। चाची जरा तुम बता दो कि ये तुमको मालूम है क्या कि बबुआन की दाल कहाँ होती है? नहीं। ये बहनचो सारे मिल के हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे। तो भाई देखो, दाल ना ही अहिरान की होती है और ना ही बबुआन की होती है, और दाल होती भी है तो इस देश के किसान की होती है। तो एक काम करो खेसारी भैया, अपने अहिरान वाला मुहर इस मैडम जी के ढोड़ी पे मार दीजिए, ताकि ये मैडम जी जब भी अपने घर से बाहर निकले तो दूसरे जाति के लोगों को 2-4 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाए कि ये अहिरान जी की माल है। अरे पलट, बबुआन इधर है। हाँ बबुआन भैया, आ रहा हूँ आपके भी पास। वो जरा सबर करो, तो न ज्यादा तुझा मिला बबुआन से, भोरे न मरी ले जोई है ते बांध के। यही वो शख्स है जो हमारे देश को कैशलेस नहीं बनने दे रहा है। नहीं, हमारे देश की सरकार का सपना है कि हमारा देश कैशलेस बने, पर इन्हीं कारणों से हमारा देश कैशलेस नहीं बन पा रहा है, उस सपनों पे पानी फिर जा रहा है। और देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। भोरे न मरी ले जोई है ते बांध के। क्यों पवन भैया, RBI बैंक आप ही का है क्या जो नंबर ही भर कर इस बहनचोद को ले जाने के लिए बात कह रहे हैं? वैसे तो मैं इसको 2 रुपए वाला बिस्कुट भी ना दूं और आप नंबर ही भर के ले जाने की बात कह रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। नहीं नहीं, ये तो गलत हो ही रहा है कि रात भर रस मलाई खाए बबुआन जी और सुबह को बिल भरे अहिरान जी। वैसे मांग रही है तो अहिरान जी ये तो देना ही पड़ेगा। एक काम कीजिए, भैंसिया बेच दीजिए, जो होगा देखा जाएगा बहनचोद। बबुआन के मुरैया जिंदाबाद रही हो, पता लगा रहे कैमरामैन की ये बबुआन का मुरै किसके गांव में होता है? बहुत बहुत बुरा लगता है ऐसे गाने सुनने के बाद कि अहिरान के जान, बबुआन के माल, बबुआन के मुरई, बबुआन के बैगन, ऐसे सब गाने सुनने में बहुत ही शर्म लगता है। लेकिन कुछ नेता लोग अपने राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देते थे, अब नेता छोड़ अभिनेता लोग संगीत के माध्यम से अपने जात पात के बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं, तो शर्म करो। सोच बदलो, भोजपुरी बदलेगा। अब क्या फायदा कर लूं भैया, यहाँ कोई दूध का धूला नहीं है, बड़े बड़े सुपरस्टार भी जात पात के नाम पे गायकी कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का आगे क्या। और हाँ, पब्लिक भी ऐसे गाने को बहुत सपोर्ट करती है जो जात पात के नाम पे रहता है, और बाद में यही पब्लिक बोलती है। अब ऐसे नहीं मिलेगी आजादी। अगर आजादी चाहिए तो किसी भी नेता और अभिनेता द्वारा किए गए स्पीच या किसी भी वीडियो को आप लोग बढ़ावा ना दें, वो भले ही 100% आप ही की जाति में क्यों ना वो बनाया गया वो वीडियो, उस वीडियो को आप लोग ज्यादा बढ़ावा ना दें।
बस भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक क्लिक लगेगा। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और आप नए हमारे चैनल पर पुराने या ज्यादा दिन से भी देखते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन पर टैप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा एग्जिट उसी समय आप मेरे दूसरे वीडियो को भी देख पाएंगे। तो इस वीडियो को इतना दुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।